नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लगाएंगे एक अदालत, और उस अदालत में कटघरे में होंगे रवीश कुमार। क्यों? क्योंकि पप्पू की महाभारत हो और उसमें शकुनी ना हो, तब फिर महाभारत का आनंद कैसे आएगा। तो आज हम जानकारी करेंगे कि क्या रवीश कुमार वही शकुनी का पात्र करने के लिए राहुल गांधी के पास गए हैं क्या। देखिए, इनके जो रंग ढंग हैं, और केवल रवीश कुमार नहीं, इस यात्रा से ऐसे बहुत सारे चेहरे एक्सपोज हो गए जो पर्दे के पीछे से कुछ कुछ भूमिकाएं निभाते रहे हैं सुकुमार के लिए, कांग्रेस के सुकुमार के लिए, और वो अब प्रकट हो गए, सामने आ गए। इनसे ठीक पहले ओम थानवी के दर्शन हुए थे और उसके बाद फिर ये प्रकट हुए। उससे पहले भी प्रशांत भूषण और कुछ इनके रतन तो साथ ही चल रहे हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव, जिनको इन्होंने रवीश कुमार ने नया नाम दिया है योया, तो ये सारे के सारे ऐसे प्रकट हुए। और जॉर्ज पुनैया से लेकर के और यहाँ तक इतने लोगों से मिले हैं, और एक चित्र तो आज सुबह सुबह देख करके बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव पंजाब में जीतेगी, क्योंकि मूसावाला के जो पिताजी हैं वो राहुल गांधी के गले आकर के मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे कर्म कांड ये करते जा रहे हैं, ऐसे दृश्य कैमरों में कैद करवा रहे हैं जिन पर देख करके हंसी आती है और कुछ होता नहीं है, कोई भाव भी अंदर से पैदा नहीं होता है। ऊपर से जो उनके बयान हैं वो तो माशाल्लाह, क्या कहिए उनको, तो ऐसे ऐसे बयान उन्होंने दे दिए हैं कि जो थोड़ा बहुत लोगों में भ्रम था वो सब दूर कर दिया, निकाल दिया। पांडवों की कथाएं पता नहीं कहां कहां से, GST, विमुद्रीकरण, और उद्योगपति उनके साथ नहीं थे, बहुत सारा ज्ञान इन्होंने ऐसा उंडेल दिया है कि उसको समेटना बहुत मुश्किल होगा। और ऊपर से जिनका आप चर्चा कर रहे हैं, रवीश कुमार, तो रवीश कुमार वैसे तो हमें आपको दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गोदी मीडिया कहकर के ये कहीं ना कहीं एक अलग ट्रैक लेने की कोशिश करते थे, आज किसकी गोद में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हुए, ओम थानवी हुए, अभी पता नहीं वो आपको दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए, अभी राजदीप सरदेसाई, वो आरफा खानम तो उनके टॉयलेट का लाइव प्रसारण करते हुए दिखाई दे गई थी। खाली खाली टॉयलेट का ही किया, टॉयलेट करते हुए नहीं किया, वो भी कर सकते हैं लोग, कर सकते हैं, ये वहां तक भी जा सकते हैं। तो इसको आप पप्पू से जोड़ करके या आरफा खानम से जोड़ करके, उनकी लाइव रिपोर्टिंग से जोड़ करके देख सकते हैं कि ये लोग किस स्तर पर जाकर के मतलब रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कितनी मतलब इन्होंने बुद्धि लगाई होगी कि मुझे टॉयलेट भी सूट करना है, इसके अलावा उनका बिस्तर भी दिखाना है, और उसको सबको सामान्य बताना है। नहीं, मतलब तपस्वी बताना है, सामान्य थोड़ी है, वो तपस्वी का बिस्तर था, वो तपस्वी का टॉयलेट था, तो तपस्वी की विष्ठा थी, उसमें सुगंध आती थी। मोदी के सही कामों को भी बताएं, वो तो है गोदी मीडिया, और जो टॉयलेट से सीधा प्रसारण करें वो हैं बड़े तटस्थ, निष्पक्ष और मतलब बेहतरीन किस्म के संवाददाता। और अगर 10 कदम राहुल गांधी के साथ चल भी दें तो फिर तो सोने पर सुहागा। तो इनकी सबकी पोल पट्टी एक्चुअल में खुल गई है। बहुत दिनों से इन्होंने सर्टिफिकेशन का एक धंधा चलाया हुआ था कि मीडिया कौन है, जर्नलिस्ट कौन है, एडिटर कौन है, जो RSS को गाली दे, जो मोदी को गाली दे, जो इनके खिलाफ बोले वो असली पत्रकार है, और जो इनकी चमचागिरी करे, यानी वामपंथियों की, 10 जनपद की, राहुल गांधी सोनिया गांधी की, इनकी आरती उतारता रहे और इनकी कृपा के पात्र बनता रहे, वो असली जर्नलिस्ट है। तो वो विनोद दुआ और पद्मश्री पाने वाले कई लोग उस समय, वो सब असली जर्नलिस्ट है, और जो नहीं पा पाए उनकी कृपा, वो कहे के जर्नलिस्ट, वो तो गोदी मीडिया है। अब हम इस मैटर में डायरेक्ट रवीश कुमार जी से ही पूछ लेते हैं। रवीश कुमार जी, आज आप अदालत में हैं, यह बताइए कि आप क्या करने गए थे राहुल बाबा के साथ घूमने, आप उनकी महाभारत जो है वो GST और नोटबंदी के ऊपर लड़ी गई, इस वार्ता से सहमत हैं रवीश कुमार जी? सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड को देखा जाए, क्या है? काला रंग, काला शोक का प्रतीक। भारत में ये जो नया भारत आप बना रहे हैं संजय जी,
जो लगातार जयपुर डायलॉग ओशन नेटवर्क या अभिषेक तिवारी शो करना चाह रहा है, यह हम नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? मेरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे बताया था के रवीश अपने बड़े भाई के सानिध्य में जाओ। बड़े भाई वही पता है ना, दलित लड़की के साथ छई छप्पा छई कर रहे थे, वही वाले। हाँ हाँ हाँ, ब्रजेश पांडे जी। जी तो हमारे बड़े भाई ब्रजेश पांडे जी विधायक है, लेकिन हम तो बड़े अवार्ड धारी हैं पत्रकारिता का। विधायक कब बने? नहीं भी बने तो बनते बनते रह गए। मान लीजिए चुनाव लड़े थे ना जी। आप भी लड़ने जा रहे हैं क्या किशनगंज से? आपने मेरे मुंह की बात छीन। मुझे इस बात का अफसोस है कि इतना बड़ा मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने मुझे नीचा दिखाने के लिए अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, वो प्रसून वाजपेयी को इंटरव्यू, लेकिन मुझे लगातार इग्नोर किया। अब मैं उनसे संसद में जाके डंके की चोट पे सवाल करूंगा, तब तो वो नहीं बच पाएंगे। रवीश कुमार बदला लेके रहेगा जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैजलवा बदला लिया था। हम आपको बता दें कि दो ठो इलाका भी चुन लिए है, भोजपुरी में चैनल भी खोल लिए। ये तो शेर हो गया। दो ठो इलाका भी चुन लिए हैं, भोजपुरी में चैनल भी यूट्यूब खोल लिए हैं। मधुबनी और किशनगंज से लड़ने की फिराक में, देखिए कहाँ पे राहुल बाबा मेहरबान होते हैं, इसीलिए राहुल बाबा के साथ पद यात्रा करके हम उनको बता रहे थे कि देखिए सत्ता में कैसे हम आ सकते हैं, सत्ता में आने के कुछ उपाय। आप अगर चौसा में किसान पीट दिए जाए, बिहार में लाठी चार्ज सरकार कर दे, तो आप चुप हो जाइए। वहां पे जाकर के पागलपंती मत दिखाइएगा कि किसान आंदोलन को हम समर्थन देते हैं, अपना ही पार्टी सत्ता में और रामचरितवालस वाले बवाल पे भी आप चुप ही रहिएगा और मीडिया को भी बताइएगा इस प्रकार के सवाल ना पूछ, क्योंकि अपनी ही पार्टी के लोग हैं, अलायंस पार्टी के लोग। तो ये सारी चीजें संजय जी हम करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपके प्रतिरोध में देखिए मैंने स्क्रीन काली कर दी। और बताइए बागों में बाहर है? तो रविश जी आपको शकुनी कहना ठीक रहेगा क्या? और वैसे मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी है, थोड़ा बहुत बिहार में भी जानता हूँ, किशनगंज से तो मत लड़िएगा। देखिए आप अगर कहीं किशनगंज चले गए ना, तो वो MIM वाला जीत जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। अब क्या बताएं, यही कश्मकश हमारे पास भी चढ़ी है। मधुबनी भी उतना सेफ लग नहीं रहा है। पिछले एक दो महीने में भाजपा के लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में हैं। भाजपा अपना कुनबा बड़ा कर रही है, इसी वजह से मैं थोड़ा कश्मकश में हूँ कि यार मोतिहारी से चुनाव जीतेंगे नहीं, वो तो भाजपा भूमिहारों का बेल्ट है। छपरा का वही हाल है, सिवान में शहाबुद्दीन की वाइफ जो है वो कह रही है कि हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा इस बार, तो तकलीफ है। देखिए कहीं भी जुगाड़ हो जाता है तो वहां पे विक्टम कार्ड तो खेल ही सकते हैं, तो हम विक्टम कार्ड खेलेंगे अपना। जैसे कि हम बताए कि दैत्यों को हराने के लिए स्वयं देवताओं ने अडानी को भेजा था, अडानी ने जन्म इसीलिए लिया था कि वो NDTV खरीद सके और मुझे बेरोजगार कर सके। उसी प्रकार से थोड़ा कश्मकश है बिहार में। देखिए हो सकता है राहुल बाबा अमेठी से ही हमको चुनाव लड़वा दें, ऐसी सेफ सीट तो चाहिए जहां से हम जीते और सवाल पूछे मोदी से। ओमकार जी, अमेठी से रवीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे, कैसा विचार है? राज्यसभा से भी भेज दीजिए, मतलब हम मोदी से सवाल पूछना चाहते हैं। जो तो सवाल तो बाहर ही बैठ के पूछ लीजिए ना, YouTube से पूछ। भाव नहीं देते हैं, भाव नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, डरते हैं हमसे, मोदी डरते हैं हमसे, अंबानी डरता है, पूरा सृष्टि डरता है, ब्रह्मांड डरता है। मामूली आदमी समझे हम हमको, मैंने मैग्सेसे अवार्ड लिया है, आप हमको मामूली आदमी मत समझिए। मेरे सवालों से लोग डर रहे हैं भाई, भूकंप आया है, नेपाल में प्लेन क्रैश कर गया मेरे सवाल के वजह से। अच्छा, उसमें बिहार का भी था कोई? 5 आदमी थे, गाजीपुर के आसपास के लोग। चलिए हम बात करते हैं अब ओंकार जी से। ओंकार जी आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या रवीश कुमार से? नहीं, मेरा तो यही प्रश्न है, असली नकली जो भी रवीश कुमार है उनसे सवाल, और जो असली है वो भी नकली लगने लगा है, क्योंकि और जो नकली है वो असली लगने लगे हैं मुझे। तो ये बताएं रवीश कुमार के साहब, आप जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे 2014 तक, आपने कांग्रेस की खटिया खड़ी करने वाली कितनी रिपोर्ट्स फाइल की और कितने परफॉर्म दिखाए? दूसरी बात ये है कि आपको हमेशा उन स्टेट्स की घटनाएं ही क्यों घटनाएं दिखी जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं थी और दूसरे दलों की सरकारें थी, उनमें भारतीय
जनता पार्टी भी है और दूसरे दल भी हैं। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते रहे तो आपको नीतीश कुमार रावण दिखाई देने लगे, जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा लालू जी के साथ गए तो वो आपको देवता दिखाई देने लगे। ये रंगत आप क्यों बदलते रहे और जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकारें रही वहां की बड़ी से बड़ी घटनाएं भी आप रिपोर्ट करने से क्यों बचते रहे? केजरीवाल को मैंने बनाया है गुरु, छिपकली और गिरगिट से ज्यादा तेजी से रंग बदलने की कला में मैं हो गया हूँ माहिर। आपको एक बात बता दूं ओमकार चौधरी सर, जिस एनडीटीवी की स्थापना डीडी नेशनल के टेप को चुरा करके हुई और जिसमें भी जिस सरकार ने मदद की, आप क्या चाहते मैं उसी सरकार के खिलाफ बोलूं? 25वीं सालगिरह जहां पे हमने राष्ट्रपति भवन में बनाया, क्या मैं उस सरकार से सवाल करूं? या मैं, और दूसरी बात, मैं सेकुलर हूं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इस देश में अगर इस्लामिक शासन आ ही जाएगा तो क्या होगा? आप खतना नहीं क्यों करवाना चाहते? खतना करवाने में क्या दिक्कत है? मैं खुद करवा चुका हूं, मेरा भाई करवा लेगा, सब करवा लेंगे। सवाल यह है कि इस देश में अखलियतों के साथ जो हो रहा है वो नाइंसाफी है। दोस्त प्यार बहुत जरूरी है और प्यार जो है वो बहुत जरूरी है। मैं तो बार बार कहता हूँ अपने माध्यम से, ये राइट विंग वाले प्यार करना नहीं जानते हैं। दोस्त आपको प्यार करना है तो एनडीटीवी वालों से सीखिए, हमको अंग्रेजी का सिखाने बोल करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली गई, उसका भी दुख है। तो अब तो आप मोहब्बत की दुकान पे पहुंच ही गए हैं। हाँ, वो भी बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार। आइए जरा थोड़ा आप गंभीर चर्चा भी कर लें, जिस भारत जोड़ो यात्रा की और जिस तरह से चल रहे हैं ओंकार। लेकिन गंभीर से सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा सीरियस नोट पे। ये बातें चल रही है कि रवीश जी सीरियसली चुनाव लड़ेंगे और मधुबनी से ही मोस्टली ज्यादा चांसेस है लड़ेंगे। किशनगंज मैंने एक ऑप्शन के तौर पे जो बातें रूमर उठ रही है बिहार में उस पे बातें हो रही है। एक और भी कुछ लोग आरजेडी ऑफिस में बात कर रहे थे कि हो सकता है रवीश जी राज्यसभा भी कांग्रेस डायरेक्ट भेज दे अगर बिहार में ज्यादा सीटें आ गई 2024 के चुनाव। 2024 का चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन जो प्रश्न उठता है ओंकार जी से पूछूंगा मैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा में रवीश कुमार जो पहुंचे हैं, आज मैं देख रहा था और बात बड़ी सही कह रहे थे, मुझे सही लगी, हर्षवर्धन जी कह रहे थे त्रिपाठी जी, ये वहां पर अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करने गए हैं कि जो स्कीम प्रशांत किशोर लेके आए थे वो प्रशांत किशोर को तो रिजेक्ट कर दिया गया, अब रवीश कुमार कह रहे कि वो स्कीम मैं लागू करूंगा। तो वो प्रशांत किशोर को तो रिजेक्ट कर दिया राहुल गांधी ने, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी वो उनको स्वीकार नहीं थी। प्रशांत किशोर को इन्होंने एक्चुअल में वो पद नहीं दिया जो प्रशांत किशोर चाह रहे थे। प्रशांत किशोर तो ये चाह रहे थे कि जो अहमद पटेल का रुतबा था कांग्रेस में वो रुतबा उनको हासिल हो जाए। वो इनको और कांग्रेस के कुछ नेताओं को, जिनकी दुकान बंद हो जाती अगर वो बैठ जाता वहाँ, तो उन्होंने जो है विरोध कर दिया, तो वो तो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें सीरियसली जो जो सुझाव उन्होंने दिए और बाद के जो इंटरव्यू उनके आए हैं, उन्होंने जो बताया कि भाई मैंने क्या क्या बातें कही थी, ये उनका करीब करीब 70% जो उनके सुझाव थे उस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पब्लिक के बीच में आप लोगों को जाना पड़ेगा, ये ट्विटर खेल करके आप जनाधार नहीं बढ़ा सकते हैं। कई उनके सुझाव ये अमल में ला रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को रिजेक्ट किया इन्होंने, प्रशांत किशोर के जो सुझाव थे उनको कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट दिखाई करते हुए और उन पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो तो उनके साथ तो कुछ वैसा हुआ है कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, तो उनको कुछ मिला मिलाया भी नहीं कांग्रेस से, पेमेंट भी नहीं आया, और जो उनके सुझाव थे उन पर ये कुछ अमल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।